भाजपा ने कहा मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के जनहितैषी कामों को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा लाडली बहनों को भविष्य में 3,000 रुपये महीना भी मिलेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि प्रदेश में मोहन सरकार को 160 दिन हो चुके हैं, इस दौरान मध्य प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था उसी दिन उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की थी जिनको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। जीतू पटवारी और कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना और भ्रम फैलाना है। उन्होंने कहा लाडली बहना योजना में महिलाओं को 1,250 रुपये महीना सरकार दे रही है और यह राशि बढ़ाकर 3,000 भी होगी। देखिए मोहन सरकार में बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, कार्यभार ग्रहण किया था, उसी दिन उन्होंने कुछ इतने अच्छे निर्णय किए थे जिसकी जनता ने सराहना की थी। मैं समझती हूँ जीतू पटवारी और कांग्रेस इनका काम ही यही है कि झूठ बोलना और भ्रम फैलाना। मैं समझती हूँ 160 दिन में जिस कार्य योजना के साथ डॉक्टर मोहन सिंह जी ने काम किया है वो कांग्रेस को पच नहीं रहा है। और जिस तरह से आज जनता खुश है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सबके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। यदि हम मध्य प्रदेश में अपराध की बात करते हैं तो ये कांग्रेस के कार्यकाल में पनपता था। आज तो अपराधियों को उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।